तो क्या हाल है? MCC की तरफ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आपके सीट अलॉटमेंट में एडमिशन में प्रॉब्लम ना आए और आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया हुआ है ऑल इंडिया काउंसलिंग MCC में वो भी बर्बाद ना हो जाए। कई सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और ये खाली राउंड 1 के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, राउंड 2 के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है, राउंड 3 के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं। तो शुरू करते हैं। SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विकी सिंह। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग एडमिशंस, रिजर्वेशंस, प्रिपरेशंस, मतलब हर एस्पेक्ट को छोड़ने की हम कोशिश करते हैं। तो आज रिजिग्नेशन का जो नोटिस आया है MCC का, ये है क्या, पहले इस बात को समझते हैं, फिर उसके बाद में इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम और आपको क्या करना है, आपके लिए इंस्ट्रक्शन वो मैं आपको बताऊंगा। आपने जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था ऑल इंडिया से, आपको कोई सीट अलॉट हुई होगी। ये नोटिस है उन बच्चों के लिए जिनको सीट अलॉट हुई थी। अगर उन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं किया, कॉलेज वो गए ही नहीं, इट मीन्स उनकी जो सीट है आज के दिन वो अब हट गई, मतलब आपका फ्री एग्जिट हो गया। अब राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं और आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने एडमिशन फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज में ले लिया था बाय रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट किया, वहाँ पे रिपोर्टिंग की और अपना डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके अपनी फ़ी वगैरह जमा करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। नाउ फॉर सम रीजंस, लाइक एक मेजॉरिटी का रीज़न मैं बताता हूँ कि स्टेट काउंसलिंग में रिजल्ट आने के बाद उन्हें एक कॉलेज अपने स्टेट में मिल गया और अब वो चाहते हैं कि ऑल इंडिया में मिले हुए कॉलेज को वो छोड़ें और उनकी जो सिक्योरिटी मनी है या आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो ख़राब ना हो और वो रिफ़ंड भी हो जाए, लेकिन आप अपने स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन वहाँ नहीं लेना चाहते ऑल इंडिया से जो कॉलेज मिला था। तो अब आपको क्या करना है, तो MCC की तरफ से आपको सीट रिज़ाइन करने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है, देखो कोई ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आएगा, जो लिखा हुआ है उस बारे में मैं उसको डिटेल बताता हूँ। मैंने देखा है कि कई चैनल्स और कई यूट्यूबर्स जो हैं नोटिस को ठीक से ना पढ़कर लोगों को मिसगाइड कर देते हैं, सिर्फ वीडियो डाल देते हैं और लोग सिर्फ वेट करते रहते हैं और इस वजह से उनकी सीट भी बर्बाद हो जाती है और उनकी सिक्योरिटी अमाउंट भी बर्बाद हो जाता है। तो बहुत ध्यान से सुनना है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुलने वाला है। अगर आप ये वेट करेंगे कि कोई ऑनलाइन ऑप्शन आएगा वहाँ पर जाकर आप अपनी सीट रिजाइन कर देंगे अपने घर बैठे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको कॉलेज विजिट करना है और कॉलेज उस कॉलेज विजिट करना है जहाँ पर आप सीट को छोड़ना चाहते हैं, किसी भी वजह से छोड़ना चाहते हैं कि स्टेट में कॉलेज मिला या कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। आप कॉलेज जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि हमने एडमिशन लिया था, एडमिशन स्लिप उनको दिखाएंगे और आप बोलेंगे कि हम रिज़ाइन करना चाहते हैं फ्रॉम दिस सीट। सो वो क्या करेंगे, वो आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाएंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो MCC के पोर्टल को ओपन करेंगे अपने वहाँ पर अपने सिस्टम पे और वहाँ पर एक फॉर्म आपका फिल किया जाएगा, वही फिल करेंगे उसको फॉर्म को, तो ऑनलाइन कॉलेज ही फिल कर सकता है, वो पोर्टल कॉलेज के पास ही होगा, आपके पास नहीं होगा। वो उस फॉर्मेलिटी को कम्प्लीट कर आपकी सीट को वहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे, रिज़ाइन करवा देंगे। जब वो सीट रिज़ाइन हो जाएगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस किए जाएंगे, आपकी फ़ी जो आपने वहाँ सबमिट की थी वो आपको वापस की जाएगी। हो सकता है वो कुछ थोड़ा बहुत फ़ी उसमें से काट लें, थोड़ा बहुत, शायद वो भी ना काटें, तो आपको पैसे वापस मिलेंगे आपके और आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ओरिजिनल। देन आप जिस भी नए कॉलेज में चाहे अपने स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। अब यही ऑप्शन राउंड 2 के बाद भी फिर आएगा, जब अलॉटमेंट की लास्ट डेट होगी, जब अलॉटमेंट की लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी जैसे आज थी, तो वैसे ही राउंड 2 के अंदर फिर से आपको भी सीट रिज़ाइन करने का ऑप्शन आएगा और इसी तरीके से स्टेट के अंदर भी रहता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ। 31 तारीख मतलब आज से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, अब ये कब तक चलेगा, 3 सितंबर, क्योंकि 4 सितंबर से फिर से सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो 3 सितंबर तक शाम 6 बजे तक जब तक कॉलेज टाइमिंग्स होती हैं तब तक या उससे पहले ही जाकर आप अपनी सीट का रिजिग्नेशन दे दें। अगर ऐसा आपने नहीं किया और आपने रिज़ाइन नहीं किया
और आपने वहाँ कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने के बाद एडमिशन नहीं लिया, मतलब एडमिशन लिया पर आपने कैंसिल नहीं किया, अपने स्टेट में भी जाकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास अपने रियल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको वहाँ से लेने हैं तो अपने स्टेट में एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। सो यू नीड टू कम्प्लीट दिस स्टेप। बट याद रखना, बहुत बच्चों को ये मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है कि कोई ऑनलाइन अपडेट आएगा, कोई ऑनलाइन मेल आएगा, कोई ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, और ऐसा होता नहीं है और वो वेट करते रह जाते हैं। और ऐसा होता आया है पिछले कई सालों से। आपके साथ ऐसा ना हो, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को कोई दिक्कत ना हो, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दिक्कत ना हो, आपके करियर पर कोई आँच ना आए, इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो, अगर शुरू में नहीं किया था सब्सक्राइब तो अब सब्सक्राइब मारो चैनल को और वीडियो को कर दो लाइक। मेरा नाम है विक्की सिंह। अगर मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है दाविक्की सिंह TheVikiSingh। और SVP इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए जैसे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पर भी देता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में।